खबर आ रही है कि चार्जशीट फाइल हो चुकी है राखी सावंत की। क्या कहना चाहोगे, क्या हुआ है केस में, आप कुछ अगर आप शेयर। हाँ, जो झूठा के मुझे अंदर करवा दिया था उसकी चार्जशीट फाइल हो गई है। जो ये वो सब आज स्टेटमेंट्स हो गए हैं कि ज्वेलरी उन्होंने खुद बेची थी, खुद के अकाउंट में पैसे लिए थे। चार्जशीट में क्या लिखा है मुझे नहीं पता है, चार्जशीट की बात कह रहा हूँ। और चार्जशीट में बहुत सारे चीज़ें लिखी हैं। अभी इंशाल्लाह जब हम कंटेस्ट करेंगे ना हाई कोर्ट में, अभी वो चार्जशीट भी हम फाइल करेंगे और जब ट्रायल भी स्टार्ट होगा उसका देखना इंशाल्लाह। न्याय मिलने के लिए वक्त नहीं है, अभी बहुत जल्द मिलेगा। नहीं, लेकिन चार्जशीट में आपने कहा है कि ज्वेलरी उन्होंने खुद बेची है, बैंक अकाउंट में डिटेल्स आई है, और क्या क्या जानकारी आई है कुछ अगर आप बताएं। मैं ज़्यादा नहीं कह सकता चार्जशीट के बारे में, आई एम नॉट अलाउड टू से। अभी एक पॉइंट कह दिया, ऑलमोस्ट मैंने आधी चार्जशीट तो पढ़ ली है, मुझे पता है, बट आई एम नॉट अलाउड टू टेल अबाउट द होल चार्जशीट। बताता हूँ मैं आपको। उनकी वकील का कहना है कि आपको फिर से जेल वो भेजेगी। एक सेकंड पॉज करना। हाँ, तो कि आप जा सकते हैं, उनकी लॉयर ने खुद कहा है, और आप पेश ही नहीं हो भाई। सकते हो के बारे में बात नहीं करना चाहता, उनके लॉयर को मैं जवाब नहीं देना चाहता। इतना कर लीजिए, चार्जशीट एक बार कलेक्ट करने के बाद हमारे स्टंट के लिए बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, बैठ के बड़ी बड़ी बातें। मेरी लीगल टीम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी स्ट्रांग है, मेरी इतनी स्ट्रांग है। और दूसरा, स्ट्रांग रहने के लिए ऐसा भी केस नहीं है कि जो मैंने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया है केस में। हर झूठे आरोप लगा के, जो वो वकील भी नहीं थे उस टाइम में लगाने के टाइम में, दूसरा कोई लगाया था, अब ये वकील आके जो बोल रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी लीगल टीम है, हर चीज़ का तगड़ा जवाब देंगे और इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। और ये कह रहे हैं आदिल नहीं मिल रहा है, आदिल के ये कर रहे हैं हम नोटिस। अरे सर, पब्लिक फिगर हूँ मैं, आदिल का ना, आदिल की टीम में ना, आदिल को मैनेज करने वाले 5 लोग हैं, आदिल की टीम में 17 लोग हैं, अब उसकी फिक्र मत करो। बहुत इजीली अप्रोच इंसान है, मेरे नंबर जो है ना 10-10 साल पुराने नंबर्स हैं मेरे, कॉन्टैक्ट नंबर्स, जो मेरा पर्सनल नंबर है। और रही बात, मेरी लीगल टीम अवेलेबल है अब समन्स देने के लिए, अब बिल्कुल मत कहना आप बार बार एड्रेस चेंज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा एड्रेस है ना लैंडमार्क है वो, उसकी फिकर मत करो। उन्होंने बोल के आप एब्सकॉन्डिंग हो चुके हैं वो, ऐसा कहना है, जो के कारण आपको समन दिया गया, और अगर आप पेश नहीं होते नेक्स्ट टाइम तो आपको आपकी। किसने बोला मैं पेश नहीं हो रहा हूँ, हर डेट पे मैं अवेलेबल हूँ। आज तक खुद का इंटरव्यू, आज तक झूठ कहा है, आज तक एक भी डेट नहीं हुआ जो मैंने मिस किया है, एक भी। वो भेजा है पुलिस को, पुलिस ने जो भेजा है नहीं, मुझे कोई संबंध नहीं मिला, क्योंकि वो कह रहे कि एड्रेस चेंज आप कर रहे हैं। कहने के लिए किशन मैं जेल के अंदर बैठी है, कहने के लिए पब्लिसिटी तो फिर जाके पता चले, कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, पूरा झूठ है। अब राखी से हम कितना सच एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, बोला उनके वकील से भी मैं इतना ही कर पाऊंगा। अब क्या लगता है राखी बॉम्बे में क्यों नहीं आ पा रही है, कुछ अगर आप बताना चाहेंगे, क्योंकि लगातार राखी कई महीनों से बाहर है। और जैसे मैंने कहा था 67A का FIR हमारा हुआ है, अब्सकॉन्ड है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में डाला था, बेल हमने रिजेक्ट करा दी, सेशन कोर्ट में अप्लाई किया हमने रिजेक्ट करा ली, अभी हाई कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा, इंशाल्लाह ज़रूर वहाँ भी रिजेक्ट करवा के ही निकलेंगे। क्या लगता है कि क्योंकि वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वो, उनका कहना है कि बिल मिल जाएगा के उनको कॉन्फिडेंस रहेगा, उनको ये भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि कुछ मिराकल हो जाएगा और उसको पकड़ के भी ठग के 5 करोड़ रुपए खा जाएगी, उनको ये भी रहेगा। उनका कहना है कि आप राखी सावंत के नाम पे पब्लिसिटी ले रहे हैं, क्या कहना चाहिए। राखी सावंत झूठी है, फ्रॉड है, राखी सावंत लोगों को ठगी है, इसके ऊपर हम आके सामने हमारी सच्चाई रख रहे हैं। क्योंकि रितेश भी कह रहा है कि आपके ऊपर केस करेंगे, आपके ऊपर फ्रॉड का केस करेंगे, आपने राखी को बहुत परेशान किया, उन्होंने खुद कहा है इंटरव्यू में। सुनिए ना, जो मेरी लीगल टीम है ना, जो हम काम करते हैं ना, उसके आसपास वो अफोर्ड भी नहीं करवाएंगे, पूरे लोग मिल के भी, तो ठीक है ना, तो उनको उनके जो मर्जी करने दो। और उसके बारे में भी क्या ही बात करो, बंटी बबले हैं, दोनों ने मिलके मुझे ठगा है, रितेश और राखी ने, जितने भी मेरे से पैसे लूटे हैं दोनों से, दोनों ने मिलके लूटा है,
मतलब बंटी और बबली, मतलब उन्होंने ये भी कहा जो आपने बायोपिक बनाया था उसके अंदर आपने जो उनको दिखाया था उसमें भी कार्रवाई होगी, आपके सॉन्ग पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई आएगी तो बात करेंगे ना। दोनों उनके पास टॉपिक नहीं है तो मेरे पे क्यों बात कर रहे हैं, मेरे पे क्यों पब्लिसिटी ले रहे हैं दोनों मिलके कि बायोपिक पे की बात क्यों बात कर। कार्रवाई करो ना, जवाब देंगे इंशाल्लाह। एक 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 सवाल तो करो, 50-50 जवाब देंगे, फिकर मत करो। तो क्या उन्होंने कहा, जब जब तुम लोग चोर, जब तुम लोग चोरी करके इतना सीना टानते हो तो हम लोग एक सेकंड, तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है जिंदगी में, हमको कितना सीना टानी आएगी। टीवी मसाला में उन्होंने इंटरव्यू दिया है जहां पर वो लगातार कह रहे हैं कि आदिल एब्सकॉन्ड हो चुका है और अब जेल में डलवाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है टीवी मसाला में। जवाब आपके पास अब खुद होगा, मैं अब्सकॉन्ड हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ। नहीं, ऐसा उनका कहना है, वो सब उनके कहने के लिए मैं क्या जवाब दूँ। ये तुम ये क्लिप उनको ऐड कर दो अभी टीवी मसाला वालों के साथ, टीवी मसाला वालों ये देखो मुझे आदिल का अंदुरानी मिला है और बात कर रहा है। एक सेकेंड, पूरे महीने में ना मेरी ये 15 स्पॉटिंग हुई है मेरी। अब्सकॉन्ड था क्या मैं? ऐसा उनका लॉयर कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ इसीलिए। तो जब मेरी स्पॉटिंग होते हैं ना, लाके मुझे पर्ची दे देने बोलो, मैं कलेक्ट कर लूंगा। ओके। या मेरी पीआर को दे देने बोलो। ओके।